गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल मैं न्यूमा से ट्यूशन मोड़नी होते हुए पांगा आशीर्वाद था। आज यहाँ से निकलते हैं। आज मुझे गोटालुप्स होते हुए, सरचो होते हुए जिस पर क्रॉस करके केलांग मंडी, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। आज निकलते हैं यहाँ से। वैसे आप लोगों को एक चीज़ बोलूँगा, अगर पांग में रुकना चाहते हो तो यहाँ पर आके रुक सकते हो। यह है रेस्टोरेंट का नाम और ऐसे यहाँ पर पेड़ लगे हुए थे, यहीं पर मैं सोया था और अंदर में भी पेड़ है। ओनली 300 रुपया पड़ा पर हेड। हम थे, भैया थे और दीदी था। तो भैया और दीदी एक्चुअली नागपुर से आए थे, वो लोग 1 तारीख को निकले थे। आज शायद उन लोगों के साथ लास्ट राइड होगा क्योंकि मेरा प्लान कुछ और है, दीदी लोगों का प्लान कुछ और है। दीदी का परसों फ्लाइट है दिल्ली से, दीदी कल निकल जाएगी फाइनल से। चलिए सर्च में यहाँ से 75, लेकिन उससे पहले पड़ेगा नकीला पास, लाचुंगला पास, फिर पड़ेगा गाटा लूप्स। लाचुंगला पास आने वाला है और ये खतरनाक घाटियाँ, ओह सामने शायद जाम लगने ही वाला होगा जितना लग रहा है। वाह बेटा वाह, मौज कर दी। खतरनाक घाटियों को क्रॉस करते हुए शायद हम पहुंच गए लाचुंगला पास 16,616 फीट के ऊपर। पहुंच गया हूं मैं नमकीला पास 15,547 फीट के ऊपर। खतरनाक घाटी के बारे में बोल रहे थे, दूर में दिख गया एक ट्रक पूरा उलट के सोया हुआ है, दिखाते हैं आपको। चलो एक्चुअली ये दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बस आप लोगों को थोड़ा सावधान करना चाहता हूँ। किसी भी हिल्स पे हो, ये सब तो थोड़ा हाई रिस्क की हिल्स है, लद्दाख और मनाली ले हाईवे, पांग से लेके या फिर नीचे से आ रहे हो तो सरचू से लेके पूरा एकदम पांग तक बहुत खतरनाक वाला रास्ता है। और वो देखो मेरे सामने पूरा का पूरा ट्रक उलट गया, पता नहीं उसमें क्या था, सब कुछ लेके उलट गया। क्या हाल है यार, शिट मैन, शिट। खुल ही गया, चलते चलते हम आ गए गाटा लूप्स। और गाटा लूप्स का जो रोड है, मैं दिखाने का कोशिश करूँगा और दिखा पाऊँगा। देखो नीचे दिख रहा है, पूरा ऐसे 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 करके पूरा नीचे तक उतरना है। गाटा लूप्स के बाद थोड़ा टारमैक रोड मिला है। एक्चुअली शायद कुछ मिनटों के मेहमान हैं हम लद्दाख में, फिर लद्दाख छोड़ देंगे हम। जैसे ही सरचू घुसेंगे लद्दाख छोड़ के हिमाचल में एंट्री कर लेंगे। मेरे राइट साइड पर जो रिवर आप देख रहे हो, इसका नाम है श्राप रिवर, जो मैंने आपको जंस्कार हिल में बताया था। पांग से निकलने के बाद लाचुंगला पास, उसके बाद नकीला पास, गाटा लूप्स क्रॉस करके पहुंच चुके हैं हिमाचल, द गेटवे ऑफ हिमाचल। वो आगे दिख रहा है, वही है सरचू। पांग से सरचू का डिस्टेंस 75 किलोमीटर और सरचू से जिस्पा का 88 किलोमीटर। मिल गया जी वाटर क्रॉसिंग। ये तो हम आराम से एकदम निकल जाएंगे बिना दिक्कत वाला। ऐसे ही नहीं बोलते, हाथी मत पालो, देखो हालत, मारो अब धक्का। चलो चलो लेफ्ट ले लो। देख लो ऊपर वाला बोर्ड, मनाली 222 और बारालच्चा सामने ही पड़ेगा 32 किलोमीटर के बाद। टाइम हो चुका है 1:37।
सरसों के बाद सबसे आगे आएगा बारादाचा पास, उसके बाद आएगा सूरज ताल लेक, उसके बाद आएगा दीपक ताल लेक, फिर आएगा दारचा जिस्पा। ऐसे करके हम आगे बढ़ते रहेंगे, आज जितना दूर हो पाए उतना दूर चले जाएंगे ताकि कल का डिस्टेंस भी थोड़ा कम हो। पहुँचने ही वाला हूँ बारादाचा पास और देख सकते हो नज़ारे पूरा बर्फ़ से ढक गया है, पता नहीं पास में बर्फ़ रहेगा कि नहीं। देखो जी देखो दोनों तरफ बर्फ़। यहीं पे अगर आप विंटर में आते हो ये वाला पूरा बंद रहता है, अभी इतना बर्फ़ है तो सोचो विंटर में कितना बर्फ़ रहेगा। एक्चुअली टूर के एंड से ही पूरा यहाँ पे 20-30 फुट बर्फ़ जम जाता है, फिर जैसे ही सीज़न खुलता है मान लो मार्च के एंड से, तब BRO अपना काम करना चालू कर देता है, सब बर्फ़ बर्फ़ हटाता है। और इसीलिए ये वाला जगह हालत भी देख सकते हो, ये कभी ठीक नहीं हो सकता क्योंकि बर्फ़ उठाने टाइम उसको दिखता नहीं है कि रोड कहाँ पे है। ये सब पोजीशन में हर साल फिर से नया रोड बनाना पड़ता है, देख रहे हो भाई लोगों को सब काम पे लगे हुए हैं एकदम। मुझे इतना लग रहा है जब तक ये बारादाचा ख़त्म नहीं होगा तब तक पूरा ये ऑफ रोड रहेगा। देख रहे हो कितना पावर लगता है बाइक में। यहाँ से कैसे निकलेंगे रे, यहाँ से निकल जाते हैं रे, यहाँ से निकल जाते हैं। निकल गए निकल गए निकल गए। पहुँच गया हूँ बारादाचा पास, देख सकते हो इसका एल्टीट्यूड 4850 मीटर। और यहाँ पे लोगों का भीड़ भी देख सकते हो, शायद ये कोई पिकनिक स्पॉट हो चुका है अभी, जैसे वो लोग बीच में आके पहाड़ में चल रहे हैं, मुझे लगता है उनको आज इसके आगे जाना नहीं है, वो लोग यहीं पे पिकनिक मनाने आए होंगे। लेकिन मुझे आज जाना है बहुत दूर, इसलिए मैं निकल रहा हूँ यहाँ से फटाफट। टाइम हो चुका है 2:36। मेरे लेफ्ट साइड में ये जो लेक देख रहे हो इसका नाम है सूरज ताल लेक, और इसके बाद आएगा दीपक ताल लेक। सूरज ताल भाई साहब का चक्का पंचर हो गया। यही अगर आप सितंबर में आओगे या फिर अगस्त के एंड के बाद आओगे तो ये जो बर्फ देख रहे हो ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। लग गई जी जाम, अब तो लगता है इसके पीछे पीछे ही जाना पड़ेगा। वेलकम टू जिंगजिंग बार, जिंगजिंग बार में आपका स्वागत है। मनाली 124, अटल टनल रोहतांग 91। भैया जी थोड़ा पहले निकल गए थे, यहाँ पे रुके हैं। क्या हुआ ब्रेक? तुम लोग सिर्फ 50 रुपए देखते हैं। Water crossing, crossing water. Wow. Awesome. कर ये तो कोई न जाने है मेरी मंजिल है कहाँ। आइए जी इधर आइए, उधर कहाँ। ये तो कुछ लंबा वाला वाटर क्रॉसिंग हो गया यार। लेकिन निकल गए हम, आ गए हम भी भैया रे। पहाड़ों में ऐसा छोटा छोटा झील बहुत अच्छा लगता है यार, लेकिन वहाँ पे वाइंड बहुत ज़्यादा है, मैं उतना अच्छे से अपना ड्रोन शॉट को नहीं ले पाया। लेकिन इतना बताऊंगा कि पेंगोंग देखा, सो मोरिनी देखा, सो कर देखा, कार्जुएक देखा, सो कार्जुएक, फिर आज दीपक ताल देखा, सूरज ताल देखा, सब के सब एक से बढ़ के एक है। छोटा छोटा जो सूरज ताल और दीपक ताल दो झील है, बहुत ही अच्छा लगा दिखने में। टाइम हो चुका है 4:15, अभी सामने आएगा जिस्पा, और जिस्पा से पहले आएगा दारचा, जहाँ से मैंने अपना लद्दाख में एंट्री किया था सिंगुला पास होते हुए, वहाँ पे एंट्री करा के फिर यहाँ से निकलना पड़ेगा। आज देखते हैं, आज शायद भैया और दीदी के साथ मनाली चले जाएंगे। देखो कितने सारे भेड़ बकरी
सब रोड जाम करके खड़े हैं। मैंने अपना लद्दाख जर्नी इसी रोड से शुरू किया था, सिंकुला पास से। सामने ही आएगा चेक पोस्ट, वहाँ पे बाइक का शायद नाम लिखवा के फिर निकल जाना पड़ेगा। पहुँच गया हूँ जिसपा केलोंग में, आपको पहला पेट्रोल मिल जाएगा, अगर पेट्रोल कम है आप भरा सकते हो। पांग सरचू दारचा जिसपा गेमूर केलोंग टांडी, इन सब में से आपको केलोंग में सबसे अच्छा ऑप्शन है, आप यहाँ पे रह सकते हो। यहाँ पे बहुत सारा होमस्टे, होटल, कैंप, रेस्टोरेंट, एटीएम, बैंक, पेट्रोल पंप, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। अगर कहीं पे कुछ नहीं मिल रहा हो तो कोशिश करना इधर आ जाने केलोंग में, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। फुल्ली जाम हो चुका है इधर, फुल्ली जाम। पहुँच गए हैं अटल टनल के पास, मनाली यहाँ से 33 किलोमीटर ओनली। इधर वाला जो रास्ता आता है वो काजा जाता है। निकल गए अटल टनल से, थैंक्स एंड विजिट अगेन, ज़रूर आएंगे यार। शायद लग रहा है इधर बारिश हुआ है एंड काफ़ी ज़्यादा हुआ है, पूरा रास्ता एकदम गीला गीला है।